पिछले 10 सालों के शासन में मोदी सरकार ने ऐसे काले कानून बनाए हैं जिससे कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है, और उसका नतीजे के तौर पर हम देख रहे हैं कि इस दौरान जितने भी जन आंदोलन हुए, किसानों के हुए, मजदूरों के हुए, महिलाओं के हुए, नौजवानों के हुए, इन सब की आज कोई सुनने वाला नहीं है। तो लोकतंत्र को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि उसमें क्या जनता की आवाज़ सुनी जाती है या दबाई जाती है। दूसरी चीज़ यह है कि उसमें जनता के जो पूरे संस्थाएं होती हैं, ये जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, ये पॉलिटिकली फंक्शन कर रही हैं या जनता के हित में फंक्शन कर रही हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में सरकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है संसद। तो आप देखेंगे कि संसद और विधानसभाओं की भूमिका आज लगभग शून्य हो गई है, सरकारों की भूमिका हर रूप में बढ़ती चली जा रही है। तो हम लोकतंत्र में जब अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजते हैं तो वहाँ पे उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है, उनको कोई महत्व नहीं मिलता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसमें लोकतंत्र सिर्फ कागज़ पर रह गया है। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाली, लोकतंत्र को मूर्त देने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं थी, जितनी भी संस्थाएं थी, आज सबको पंगु बना दिया गया है। और इसलिए आज कैसी भी स्थिति हो, इस देश के 80 करोड़ वोटरों को ये सोचना होगा कि ये बड़ी भयावह स्थिति है, और इसमें जो है इस सरकार को बदलने का काम कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर इस सरकार को हम बदलेंगे नहीं तो ये हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को और हमारे देश के पर्यावरण को नष्ट कर देंगे, और इस देश को जो है जुआखोरी और लूट का अड्डा बना देंगे, जो कि मोदी सरकार पिछले 10 साल से कर रही है।